अस्सलामुअलैकुम जी, डॉक्टर हसीब बात कर रहा हूँ और अजीज़ फातमा हॉस्पिटल फैसलाबाद में फर्स्ट टाइम हुआ है कि किसी फैसलाबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल की जो इमरजेंसी है, पीडियाट्रिक्स इमरजेंसी, वहाँ पे जो फर्स्ट लाइन मेडिसिन है डिजर्विंग लोगों को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट कर दी है। और दूसरे नंबर पे ये है कि हमारे अजीज़ फातमा हॉस्पिटल में सेहत कार्ड की फैसिलिटी मौजूद है, अगर कोई डिजर्विंग लोग आते हैं तो हम उसको सेहत कार्ड पर एडमिट करते हैं। अब इमरजेंसी में फ्री मेडिसिन रखने की क्या वजह बनी कि जो बच्चे होते हैं अक्सर उनका बेफॉर्म नहीं बना होता, तो उस सिचुएशन में जब बेफॉर्म नहीं बना हुआ तो रात को हेल्थ कार्ड के ऊपर दाखिल नहीं करवा सकते। तो मैम हिना आयशा की मतलब के जो उन्होंने हमें गाइडलाइन दी है उसके मुताबिक ये है कि अब पीड्स इमरजेंसी में कोई भी पेशेंट रात को लेट नाइट भी हमारे पास आता है तो जो फर्स्ट लाइन मेडिसिन है उन लोगों के लिए हम पीड्स इमरजेंसी से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। सुबह मॉर्निंग में उनका बेफॉर्म बन जाता है और वो फिर सेहत कार्ड पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में फर्स्ट टाइम उनकी इमरजेंसी में फ्री ऑफ कॉस्ट जो मेडिसिन है, फर्स्ट जो आप कह लो कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है या फर्स्ट आप कह लो कि एंटीबायोटिक होती है, फर्स्ट फ्लूड्स होते हैं, वो सारी मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट हम पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये हमारा इनिशिएटिव है अजीज़ फातमा हॉस्पिटल का कि हम एक अच्छी कम्युनिटी बना सकें और एक अच्छा जेस्चर दे सकें कि अगर हम कोई अच्छा इनिशिएटिव लें तो आप कह लो कि वो इस ह्यूमैनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो अगर आप कह लो कि किसी को भी सेहत के हवाले से, अल्लाह ना करे आपको ज़रूरत पड़े कि अस्पताल आना पड़े, लेकिन अगर आपको अस्पताल आने की ज़रूरत पड़े तो अजीज़ फातमा अस्पताल की इमरजेंसी 24 घंटे वर्किंग होती है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो स्टाफ है, हमारे डॉक्टर्स हैं, पूरी रात यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। जज़ाकअल्लाह।